আর এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখবো, উত্তর প্রদেশের একটি ভয়ানক খবর, এবং সেখানেই বাবাকে খুন করেছে ছেলে। সম্পত্তির বিবাদ এবং সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে বাবাকে খুন ছেলের, এবং কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয় বাবাকে, এমন ছবি সামনে এসেছে উত্তর প্রদেশের এই ঘটনা, যেখানে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বাবা ছেলের মধ্যে, তারপরেই এই খুনের ঘটনা যেখানে বাবাকে খুন করে ছেলে, টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়। এই নিয়ে সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। মনীষজি আপ হ্যাঁ আমার এসং মনীষজি, জিস তরিকে সে হত্যা কিয়া গিয়া হ্যা, পিতা কো ক্যা জানকারি মিল রা হ্যা, ক্যা ওজা হ্যা ইসকে পিছে? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये गोरखपुर का मामला है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका गृह जनपद भी है, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है पिता और बेटे के बीच का है। जो अभी शुरुआती दौर में जिस प्रकार से जब पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया जिसके द्वारा अपने पिता की जो है हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से उसमें पूरी चीजें निकल के आई हैं अब तक सामने कि जो युवक है जिसे गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर बैंक का 40,000 रुपए का कर्ज था, जिसको लेकर के जो है बैंक के द्वारा लगातार उस पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन जब वो किस्त नहीं दे पाया तो बैंक के कर्मचारियों के द्वारा जो है उस युवक की जो है बाइक को छीन लिया गया था, जिसको लेकर के वो काफी आक्रोशित था। इसको लेकर के उसने अपने पिता से 40,000 रुपए की मांग की, लेकिन पिता के द्वारा पैसे ना दिए जाने पर सबसे पहले उसने सिल बट्टे से जो है अपने पिता के सर पर वार किया, और वार करने के बाद जब पिता की मौत हो गई तो पिता के जो है आरी से कई टुकड़े करने के बाद एक इटैची में पैक करके एक चाय की दुकान पर जाकर के छिपाया। वहीं पर देखा जाए तो वहीं उस युवक का जिसने अपने पिता की हत्या की थी उसका जो छोटा भाई है उसको कहीं किसी प्रकार का संदेह हुआ। संदेह होने के बाद जो है उसने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस के द्वारा जो है पूरी जांच पड़ताल की गई, और स्थानीय लोगों के द्वारा जब पुलिस को ये सूचना दी गई कि एक इटैची जो है चाय की दुकान पर पड़ी है और उसमें से जो है बदबू आ रही, तो उसके बाद पुलिस ने वहां मौके पर पहुंच करके इटैची की जांच पड़ताल की, जिसमें जो है उस 62 वर्षीय पिता की जो है बॉडी पाई गई जो कई टुकड़ों में थी। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है ये बैंक लोन से लेकर के और पिता के द्वारा जो है पैसे ना देने को लेकर के ये पूरा मामला देखने को मिला, जिस प्रकार से एक बेटे के द्वारा बेरहमी से जो है अपने पिता की हत्या की गई और हत्या करने के बाद जो है कई टुकड़े किए गए आरी से, अब पुलिस ने उस आरी को और जिस सिलबट्टे से जो है अपने पिता के ऊपर सबसे पहले वार किया था उसको भी जो है पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया, बाकी उस युवक को जो गिरफ्तार करके जो है जेल भेज दिया गया। अब ये देखना है जिस प्रकार से ये पूरा मामला बैंक के कर्मचारियों से और साथ ही साथ एक पिता पुत्र का ये पूरा मामला देखने को अब तक मिला है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको मनीष तिवारी, এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন ঘটনাস্থল থেকে। এবং উত্তর প্রদেশের সুরজকুণ্ডে সেখানেই বাবাকে কুপিয়ে খুন, ছেলে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় বাবার দেহ, এবং সম্পত্তির বিবাদ নিয়ে এই জের, এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ছেলে এবং সেই ঋণের টাকা মেটাতে না পেরেই বাবার কাছে সেই টাকা চান, এবং তারপরেই এই নিয়েই বিবাদ বাঁধে দুজনের মধ্যে, তারপরেই টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় বাবার দেহ। অভিযুক্ত ছেলেকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে।